दोस्तों अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच का पहला दिन देखने के लिए उत्साहित हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों इंग्लैंड की टीम को धूल चटाने के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 टीम में 7 बड़े बदलाव करने के बाद यहां विशाखापट्टनम में जीत लिया है टॉस। मैच हो चुका है दोपहर में ही शुरू। रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल ने भारत के लिए पहले बल्लेबाजी करते हुए बना दिए कितने रन। भारत का चल रहा है क्या लाइव स्कोर, किसने जड़ दिया है शतक, सब आपको वीडियो में दिखाने जा रहे हैं तो बने रहिएगा अंत तक। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और इंग्लैंड में से कौन सी टीम दूसरा टेस्ट मैच अपने नाम करेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैच की टेस्ट श्रृंखला जारी है और पहला टेस्ट मुकाबला टीम इंडिया को हारना पड़ा था। लेकिन दोस्तों अब बारी आ चुकी है जब हमारा भारत दूसरा टेस्ट मैच जीतकर 1-1 से बराबरी इस टेस्ट सीरीज में कर दे। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया के लिए बिल्कुल आसान होने नहीं वाला। हम सभी जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला विशाखापट्टनम के YS रेड्डी स्टेडियम पर खेला जा रहा है और दोस्तों यह मैदान पहले से ही स्पिनर गेंदबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता है और यहां पर स्पिन गेंदबाजी इतनी घातक साबित होती है कि कभी कभार तो जो 5 दिन का टेस्ट मैच होता है वो भी 2 दिन में ही निपटता हुआ हम सभी को दिखाई दे जाता है। तो दोस्तों यहां पर भारतीय टीम की यही कोशिश होगी कि 2 दिन में मैच जरूर खत्म हो लेकिन इंग्लैंड की टीम की हार के साथ, ना कि हमारी टीम की। तो दोस्तों यहां पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पूरी प्लानिंग भी कर लिया। वो जानते हैं कि अगर किसी भी तरह से इंग्लैंड की टीम को हराना है तो अपनी नई प्लेइंग 11 टीम उतारनी ही पड़ेगी और अगर भारत की नई प्लेइंग 11 टीम इंग्लैंड को हरा पाने में कामयाब हो सकती है और उनके खिलाफ खूब जमकर रन बनाए तभी हम इस सीरीज को जीत पाएंगे, वरना इंग्लैंड की टीम पूरी तरह से तैयारियां करके आई है हमारी टीम को हमारे ही घर में हराने के लिए। बाकी दोस्तों आपको हम बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला अगर आप अभी इसी समय पर लाइव देखना चाहते हो तो स्पोर्ट्स 18 के चैनल्स पर यह मुकाबला दिखाया जा रहा है और अगर आपको मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखनी है तो वो जियो सिनेमा ऐप पर आ रही है जहां आप सभी हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम, तेलुगु जैसी अनेक भाषाओं में यह मुकाबला देख पाओगे। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए हेड टू हेड आंकड़ों के बारे में तो आप सभी यहां पर गौर कर सकते हो कि भारत और इंग्लैंड के बीच कुल मिलाकर जो इंटरनेशनल टेस्ट मुकाबले अब तक खेले गए हैं उनका आंकड़ा कुछ इस तरह से है, जहां 132 मुकाबले हुए हैं और 132 में से 51 मैच इंग्लैंड की टीम ने जीते हैं और 31 मैच जीतने में बस मात्र भारत की टीम कामयाब हो पाई है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इंग्लैंड की टीम और भारत की टीम के बीच 50 मैच ऐसे रहे हैं जो कि ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं। तो आप इन आंकड़ों से अनुमान लगा सकते हो कि भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच जब भी टेस्ट मुकाबला खेला जाता है तो हमेशा रिजल्ट के लिए दोनों टीमें भागती हैं, ना कि मैच को ड्रॉ करने के लिए, चाहे बेशक भारत इस दौरान हारे या फिर इंग्लैंड की टीम। और दोस्तों ऐसा ही टेस्ट क्रिकेट में होना भी चाहिए। बाकी आप सभी तो जानते हैं कि इंग्लैंड की टीम बेसबॉल खेलने के लिए जानी जाती है और यहां बेसबॉल क्रिकेट खेलकर उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की जमकर परीक्षा ली थी। पहले टेस्ट मुकाबले में 400 रन जब दूसरी पारी में बना दिए थे। अब दोस्तों भारतीय बल्लेबाजों की बारी है कि वो यहां पर इंग्लैंड की टीम के खिलाफ कम से कम पहली पारी में अगर 450 रन के आंकड़े के पार पहुंच जाते हैं तो इंग्लैंड की टीम बड़ी आसानी से हार जाएगी, वरना भारत अगर 150-200 रन पर ही रुक गया तो भारत के लिए मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी और यहां पर कप्तान रोहित शर्मा ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं देना चाहेंगे। बाकी अगर बात की जाए प्लेइंग 11 टीम के बारे में तो दोस्तों भारत और इंग्लैंड की प्लेइंग 11 टीम में अब कई बड़े बदलाव देखने के लिए मिल रहे हैं, जहां पर हम सभी को भारत की तरफ से जो खिलाड़ी पारी की शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं उनमें कई नाम शुमार हैं। इस बीच रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल कर रहे हैं तो वहीं फिर मध्यम क्रम में शुभमन गिल, सुरेश अय्यर, रजत पाटीदार, KS भरत और अक्षर पटेल को मौका दिया गया। और अगर बात की जाए निचले क्रम के बल्लेबाजों की तो यहां पर रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव को मौका मिला है। तो दोस्तों यहां पर यही है भारत की प्लेइंग 11 टीम जो कि हम सभी को दूसरे टेस्ट मैच में खेलती हुई नजर आ रही है। बाकी दोस्तों अगर इंग्लैंड की टीम के बारे में बताएं तो इंग्लैंड ने भी अपनी प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव किए हैं, जहां इंग्लैंड के लिए जैक क्रॉली और बेन डकेट पारी की शुरुआत कर रहे हैं तो वहीं ओली पॉप, जो रूट, जॉनी बेस्ट्रो, बेन स्टॉक्स कप्तान, बेन फॉक्स, रिहान अहमद, टॉम हार्टली, शोएब बसीर और जेम्स एंडरसन खेल रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर यही है प्लेइंग 11 टीम। बाकी अब आप सभी क्या मानते हैं कि भारत और इंग्लैंड में से कौन सी टीम दूसरा टेस्ट मैच जीतेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।